सीपीयू कितना तक आएगा भैया? कम से कम 1200 में कितना, मतलब क्या आएगा मॉडल नंबर? मॉडल 250 GB हार्ड डिस्क होगा। हाँ DDR2 रैम होगा। कितना रैम होगा? DDR2। सो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों से बहुत किसी का डिमांड था कि कोलकाता में सेकेंड हैंड आइटम कहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत किसी को कंप्यूटर चाहिए, बहुत किसी को कैमरा चाहिए और होम थिएटर्स भी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ पर आपको सेकेंड हैंड सामान मिलेंगे। यहाँ तक कि आजकल पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ सीखने के लिए, कहीं वर्क करने के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंप्यूटर मात्र यहाँ 1200 रुपये से शुरू है। कसम से मज़ा आ गया ना सुन के। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको सस्ता से सस्ता, मैं तो 1200 बोल रहा हूँ, आपको 1200 से भी कम में मिल सकते हैं। 1200, 2000, 3000 तक आपको कंप्यूटर बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैमरा आते हैं, कैमरा आपको 1100 रुपये से कैमरा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप कम से कम दाम में यहाँ पर बहुत कुछ खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे हैं चांदनी मार्केट के मोड़ पे हैं। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ बहुत सारे यहाँ पे होलसेल मार्केट आपको दिख जाता है, बहुत कुछ यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, आप बस से डायरेक्टली यहाँ पे उतर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईफोन मिल रहा है, बहुत सारा मतलब फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है, आईफोन मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे होलसेल में मिलता है। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने में देखिए कैसिन कवर का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि आप यहाँ से कम पैसे में यहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी माल आप होलसेल में उठा कर ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं कहीं भी। यहाँ से बिहार, झारखंड, हर जगह जाता है यहाँ से माल। और यहाँ पे आप आपको सजावट का भी काफ़ी सामान मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो यहाँ पे मिलता ही है। चांदनी खास करके इसलिए ही फेमस है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान हर तरह का मिल जाता है। ठीक है ना, बहुत कोई इसे चांदनी, यहाँ पे कोलकाता का चोर बाज़ार भी बोलते हैं, पर ये चांदनी मार्केट है एग्जैक्टली। हाँ, ये चांदनी मार्केट है, यहाँ पर आके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर सेकेंड हैंड आइटम मिलता है, क्योंकि आपने ये वीडियो क्लिक भी तो इसीलिए किया ना कि आपको सेकेंड हैंड। सो दोस्तों, यहाँ से सेकेंड हैंड मार्केट शुरू है, और आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि बहुत कुछ मिलना यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको यहाँ पे टीवी से शुरुआत है। यहाँ पे टीवी मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा फ़ोन में दिखाई दे रहा पर चल बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको लैपटॉप मिल जा रहा है, और होम थिएटर्स मिल जा रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे आपको बहुत सारे DVD यहाँ पे मिल जा रहे हैं, सब सेकेंड हैंड में मिलता है यहाँ पे। आप इतना कम दाम बोलेगा ना कि आपको मन करेगा बस अभी ख़रीद ही लूँ, इतना ज़्यादा कम दाम बोलेगा। अब विश्वास मानोगे, यहाँ पर ये जो यहाँ जो आपको म्यूज़िक सिस्टम दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, CPU दिख रहे हैं, CPU मिनिमम 1200 रुपये से आपको स्टार्टिंग है। 1200, 3000, 2500, 5000, इन सब रेंज में आपको CPU मिल जाता है। और आपको वो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर आपको 1800 रुपये से, 2200 रुपये से, इस हिसाब से आपको मिल जाता है। भैया मतलब कम से कम दाम में CPU कितना तक आ जाए? कौन सा CPU आपको चाहिए? कौन कौन सा है? 800 टाइम। हाँ भैया, अभी मेरा पास 61 है, सेकेंड जनरेशन का है, 2GB 500GB का है। कितना तक पड़ेगा उसका? खाली CPU वाला मॉनिटर का था? नहीं नहीं, सिर्फ CPU। कनेक्शन रहना चाहिए टीवी से कनेक्ट करने वाला। सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है, अब i3 सबसे विशेष 10 मिनट पाना, थर्ड जनरेशन 10 टका दे देते ना, मतलब इसको अपडेट कर सकते हैं ना। कितना तक पड़ेगा इसका? ये देखिए विनिंग अमाउंट शो नीचे अकाउंट पे पठाओ, एक क्विक ऐप डाउनलोड करो zupi.com। कितना रैम होगा इसमें? 5GB हार्ड डिस्क है, 5GB हार्ड डिस्क है, रैम तो सरकारी नीचे मैच के बेस्ट एजुकेशन विद ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न मेथड्स एट कौन सा है? इंटरनेशनल स्कूल ये वाला ओ महेश तला, CBSE अफिलिएटेड विद हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशन ओपन फॉर 20 कम का है क्या? आप 12 को लीजिएगा तो कम 0182 साइन द इंटरनेशनल स्कूल 12 कर दो। ये वाला कितना बताया था? सुन रहे हैं? नहीं नहीं, मॉडल बताया थे क्या? 61 ड्यूअल कोर है आपका, 31 का DDR2 का है, 31 DDR3 का है, DDR3 इसमें, और इसमें DDR, इसमें DDR2 का है, 2 का है। उसका कितना दाम पड़ रहा है? इसका 2500 है, 2500 है, 41 का है, 26, मतलब ले देखिए ये वाला जहाँ तक ठीक है ना, ये वाला। तो आपने वहाँ पर तो देख लिया, अब हम आगे चलते हैं किसी और दुकान में, वहाँ पे चल के दाम पूछते हैं। वैसे कितना तक आएगा ये वाला सोनी वाला? 8500। 8500
अगर आपके पास कम से कम दाम में होम थिएटर लेते हैं तो होम थिएटर सबसे कम से कम दाम में ये वाला कितना पड़ेगा इसका? इसका पड़ेगा 4,000। 4,000 ये साथ में मिलेगा? तो आपने देखा यहाँ पे सोनी का होम थिएटर है, यहाँ पे और भी सोनी का होम थिएटर है, मिनिमम 4,000 से आपको मिल जा रहा है। सोनी का होम थिएटर आप अगर बाहर में खरीदने जाओगे, शोरूम में खरीदने जाओगे, नया तो आपको मिल जाएगा पर 11,000 12,000 15,000। ठीक है, चलिए इस कैमरे का, ये जो कैमरा है भैया ये क्या सोनी का है? कितना तक आ जाएगा ये? कितना तक आ जाएगा ये वाला? 1500 में आ जाएगा। चलिए और एक जगह से सीपीयू का दाम पूछते हैं कि वहाँ पे कितना मिल जाता है। सीपीयू कितना तक आएगा भैया? कम से कम 1200 में कितना, मतलब क्या आएगा मॉडल नंबर? मॉडल 250 GB हार्ड डिस्क होगा। हाँ, DDR2 रैम होगा। कितना रैम होगा DDR2? इसमें से कौन सा होगा 1200 वाला? ये वाला होगा, ये वाला। तो इससे थोड़ा महंगा आएगा? तो महंगा 4,000 5,000 6,000 तक का। सो दोस्तों, देखा आपने कि यहाँ पे किस तरह से सस्ता में आपको बहुत ही कम दाम में यहाँ पे आपको CPU मिल जा रहा है, और यहाँ से आके आप CPU खरीद लीजिए, बहुत ही आपको सस्ता दाम में मिला। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सबसे अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।